पार्टी वर्कर से सीधा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। तो दे दिए साहब मुझे होना, तो सेक्रेटरेट में एक डेलीगेशन आया था, दुबई से कुछ लोग आए थे, मुंबई से कुछ आए थे, वो मेरे साथ सेक्रेटरी में मीटिंग करे, मैं छोड़ने के लिए नीचे आया। वो लोग अरबी में पूछ रहे हैं सेक्रेटरेट में देखने के बाद, ये बहुत गरीब स्टेट है क्या, पूछ रहे हैं। हमारा सेक्रेटरी देख के परेशान है, एक पंखा आ रहा तो एक पंखा भी आ रहा, बड़ बोल के दरवाजा मार ले रहा, फर्नीचर इस तरह का नाफिस था, फ्लोरिंग नाफिस थी। नीचे उतरने के बाद पूछ रहे ये बहुत गरीब स्टेट है क्या, तो वो सर अरबी में समझा रहा नहीं है, निज़ाम स्टेट है, फिर अब क्या होगा इतना बुरा हाल सेक्रेटरी का इनका। तो अपना रहना भी स्टैंडर्ड भी, स्टैंडर्ड भी वैसे होना चाहिए, हमारा मैसेज भी वैसे जाना चाहिए, तो हमारे सीएम साहब का विजन भी वैसे है। खर्चे की फिक्र नहीं, पर आवाम की सहूलत के लिए हर तरीके से उनके जो मसाइल हल करने के लिए। तो आज हमारी खासतौर से हमारे डी जी साहब का और हमारे सी पी साहब का और पूरे आई पी एस ऑफिसर और तमाम पुलिस ऑफिसर को दिल की गर्व से मुबारकबाद देता हूँ। इन लोगों ने 2014 के बाद से जो रात दिन मेहनत करते हुए जो अपना इमेज लेकर आए लोगों में, जो पुलिस का पहले इमेज डरता लोगों से, आज फ्रेंडली पुलिसिंग की वजह से सीटी में होगा। अभी जैसे डी जी साहब ने कहे, इंडिया में कहीं पर भी नहीं है 33% कोटा सिवाय हमारे स्टेट में वुमेन्स का कोटा। आप कुछ दिन के बाद हर पुलिस स्टेशन में 50-50 हो जाते और एक से एक पढ़े लिखे, अब तो भी पहले के पुराने कांस्टेबल थे, वो मैट्रिक पास कर लिए तो बस था इंटर, आज तो पूरे एक से एक आई टी इंजीनियर्स आ रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। आगे चलकर हमारी पुलिस ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी तो शायद वर्ल्ड में जो लोग, चाहे वो जापान हो या अमेरिका हो, उससे भी आगे रहेगी तो हमारी पुलिस रहेगी। मैं तमाम पुलिस ऑफिसर को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और आज जो दो पुलिस स्टेशन इनॉग्रेशन किए हैं, हमारे खास तौर से कौशल भाई को जो हमारे हरदिल अजीज एमएलए हैं, हमारे फरमा कराना भी नाम यहाँ के ही है, दोनों को कारपेंटर साहब को सबको और हर पुलिस ऑफिसर को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए मुझे जो वक्त दिया गया उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराई से। अच्छी पुलिस, एक ऐसी पुलिस जो इंडिया में हर कोई याद करता है, मुझसे कहते हैं लोग। एक बार अभी कुछ दिन पहले हमारे पास ट्रेनिंग हुई चंचलवाड़ा जेल में, कहाँ से आए थे, तिहार जेल दिल्ली से, वहाँ से 132 ऑफिसर आकर हमारे तेलंगाना में ट्रेनिंग लेकर गए। मैं जाकर आया परेड के लिए तो वो लोग बताए मुझे, साहब आपके पास जिस तरीके से सिस्टम है, जिस तरीके से काम करते हैं, हम देखकर सीख रहे हैं। और हम वहाँ से आकर 132 ऑफिसर बॉर्डर साहब के पास आकर ट्रेनिंग लिए साहब, और आप ट्रेनिंग देने का शुक्रिया। हमारी स्टेट सबसे छोटी है, सारा हिंदुस्तान का 4% हमारे पास है, और दिल्ली जैसे सेंट्रल प्लेस से भी लोग हमारे पास आकर ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, ताकि हमारे लोग जिस तरह काम कर रहे हैं वो सीख रहे हैं, उसके लिए मैं हम तमाम